सचिया जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण यस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयम लक्ष्मीम जात वेदो मह। बोलिए सांपदा माता जी की सदा ही जय। तो भगवान के प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए सांपदा माता की कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको ये कथा पसंद आए, अच्छी लगे, सुंदर लगे तो कृपया मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी कथाएं लेकर आता रहूं। तो प्लीज भक्तों, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ दीजिए। तो एक राजा था, उसका नाम नल था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ जमा हो रही थी, सब औरतें डोरा ले जा रही थीं। रानी ने मस्तक से ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ लगी हुई है। वे देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वे डोरा कच्चे सूत की 16 तार का 16 गांठ दे और हल्दी में रंगकर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब माता रानी भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। और जब राजा बाहर से आया तो डोरा देकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि हे महाराज, सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो वैसे ही बहुत धन है। तो ये कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन से रात को स्वप्न में सांपदा माता बोली कि हे राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूं। राजा ने पूछा कि तू कौन है। तो वे बोली कि मैं तो सांपदा हूं, इसलिए जा रही हूं, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहां पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहां पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी, घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वे तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला कि तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूं। रानी ने तीतर भून कर रख लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के जहां पहुंचे, बहन ने उन्हें अपने पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहां बहन के सोने का बच्ची बछेड़ा पड़ा था, वे जमीन खा गई। राजा रानी से बोला कि जहां से चलो, नहीं तो अपने सिर पर चोरी का इल्जाम लगेगा। वहां से वे दोनों चले गए। वहां से राजा दोस्त के पास गया तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था, वहां पर मोर बना था, वे हार को निगल गया। तब राजा रानी से बोले कि जहां से भी चलो, नहीं तो अपने सिर पर हार की चोरी का इल्जाम आएगा। तो रानी बोली कि किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। तो वे एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया।
तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, वहां पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि ये सांपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये डोरा कैसा बांधा है, तो रानी बोली कि ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। इसी कारण सांपदा देवी हम दोनों पर नाराज है। रानी बोली कि यही सांपदा देवी माँ सच्ची है तो फिर हमें हमारे पहले जैसे दिन लौटा देंगी। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कहने लगी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा, तब सांपदा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। रानी सांपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई एवं सांपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहां से वे अपने दोस्त के यहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। राजा नल बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहां पहले ठहराया था। वहां जाकर देखा तो जो हार मोर ने निकला था वे हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया। वहां से वे बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहां पर पहले ठहराया था। जब वे वहां पर गए तो जो धरती बच्ची निगल गई थी वे वापस कर दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहां से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुंचे तो देखा कि दोनों तीतर पड़े हैं और वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वे दरवाजा भी ठीक है। सोने की झारी भी आ गई, दातुन हरी हो गई, जो ब्रह्मणी की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया। उद्यापन में 16 ब्रह्मणियों को भोजन कराई, 16 चीजें दें, हलवे पूरी की रसोई बनाए। हे सांपदा माता, जैसा पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना और जैसा राजा को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते सारे परिवार को देना, बाद में माता रानी का ध्यान करना। हे सांपदा माता, जैसे आपने राजा पर कृपा करी ऐसे सभी पर कृपा करना और भगवान के प्यारे भक्तों सांपदा माता की आप सब पर कृपा बने, आप सबको भरपूर तरक्की दे, कारोबार में वृद्धि करे और परिवार में सुख शांति दे। इस कामना के साथ मैं इस कथा को विराम देता हूँ और मेरी ये कथा आपको अच्छी लगे तो कृपा करके मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अद्भुत सुंदर मनोहर और धार्मिक कथाएं आपके लिए लाता रहूं। बोलिए श्री सांपदा माता की जय। ओम श्री विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम जगदिते अर्तिहंत्री, नमस्तुभ्यम समृद्धि कुरु मे सदा।
हे माई सचियां जोतां वाली माता त्वाडी सदा ही जय।